प्यारे बच्चों आदाब आप खुश हैं ना पिछले क्लास में आप क्या क्या पढ़े हाँ एक नज़म पढ़े अच्छा नजम का नाम क्या था हाँ मिट्टी में जान आ गई अच्छा इस नज़म किसने लिखा था हाँ इस्माइल मेरठी अच्छा इस नज़म का मौजू क्या था हाँ पहली बारिश थी अच्छा बारिश कब आए थे हाँ शाम का वक्त बारिश आते वक्त वो दोनों कहाँ बैठे थे हाँ घर के दालान में दालान का मतलब बरामदा अच्छा आप लोग ये तस्वीर देखिए देखिए भाजान ये पक्के पक्के आम हाँ बेटे ये हमारे ही पेड़ के हैं जो आजकल दुबला होने पर भी अच्छे अच्छे फल देते हैं बारिश के मौसम में भी आजकल ये कड़ी धूप क्यों है दादाजान इसके कई वजुहत है बेटे आजकल मौसम में तब्दीलियां आ रहा है मौसम क्यों खराब होते दादा दादाजान आजकल सारे लोग स्कॉटलैंड के राजा बन रहे हैं ये तस्वीर देखो बेटी अच्छा आप लोग भी ये तस्वीर गौर से देखें तस्वीर में आप क्या क्या देखा हां पेड़ काट रहे हैं सैलाब आगे हैं खेत में मिट्टी डाल रहे हैं लोग पानी के लिए तरस रहे हैं अच्छा यह सब होने का जिम्मेदार कौन है हां इंसान आजकल सारे इंसान स्कॉटलैंड के राजा की तरह फ़ितरत को बिगाड़ते हैं स्कॉटलैंड के राजा का कहानी आपने सुनी है ना नहीं अच्छा तो हम कहानी पढ़े पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क स्कॉटलैंड में एक आयश पसंद और बेवकूफ़ राजा हुकूमत करता था वो अपने देश के लोगों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करता था बूढ़े लोगों से उन्हें बड़ी नफरत थी एक दिन राजा घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर गली से गुज़र रहा था अचानक एक अंधा बूढ़ा गाड़ी के सामने पड़ गया वो बड़ी मुश्किल से सड़क पार कर रहा था बूढ़े को देखकर गाड़ी वाले ने रफ़्तार कम कर दी ये देखकर राजा को ग़ुस्सा आ गया फौरन हुक्म दिया कि हमारे मुल्क के तमाम बूढ़े लोगों को जलावतन कर दिया जाए हुक्म पाते ही सिपाही लोग देश के कोने कोने से बूढ़ों को चुन चुन कर जलावतन कर ले लगे राजा के इस अंधे कानून की वजह से देश के अक्सर लोग जान बचाकर दूसरे मुल्क में जा बसे उनके दरबार में जितने बूढ़े दरबारी थे उनको भी निकाल दिया गया अपने दादा दादी नाना नानी मामू मामानी की जुदाई पर देश के बच्चे और नौजवान बेहद नाराज़ हो गए बच्चों बताइए स्कॉटलैंड में कैसा राजा हुकूमत करता था हाँ एक बेवकूफ़ राजा बेवकूफ़ मतलब विड्ढी बेवकूफ़ राजा हुकूमत करता था अच्छा राजा को किससे नफरत था हाँ बूढ़े लोगों से ये बूढ़े लोगों से राजा को नफरत क्यों आई हां राजा के गाड़ी के सामने एक अंधा बूढ़ा आने से राजा को बूढ़ों से नफरत हो गई हां राजा को गुस्सा आकर क्या हुक्म सुनाई हाँ, मुल्क के सारे बूढ़ों को जलावतन कर दिया जाए जलावतन मतलब नाड़ कड़तन तो मुल्क के सारे बूढ़ों को जलावतन करने लगे राजा के अंधे कानून की वजह से लोगों ने क्या किया अंधा कानून करी नेमम अंधमाया नेम तो लोगों ने क्या किया हाँ अक्सर लोग अपनी जान बचाकर दूसरे मुल्क में जा बसे राजा के इन हरकतों से कौन कौन नाराज़ हुए हाँ राजा के हरकतों से देश के बच्चे नौजवान सब बेहद नाराज़ हुए तो कहानी का बाकी देखिए इस मुल्क की फौज में श्याम नामी एक सिपाही था उसका बाप भी बूढ़ा हो गया था राजा की इस कार्रवाई से वो बेहद परेशान था उसने अपने घर के अंदर एक तहखाना बनाकर अब्बाजान को वहाँ छुपाया दिन गुजरते गए एक दिन राजा महल के ऊपर चढ़कर इधर उधर टहल रहा था आसपास के बड़े बड़े पेड़ों की वजह से राजा ठीक तौर पर शहर देख नहीं पा रहा था उसने सोचा कि ये सारे पेड़ पौधे मेरे लिए रुकावट है राजा ने छठ से हुक्म दिया कि मुल्क के सारे बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाए हुक्म मिलते ही सिपाहियों ने देश के सारे पेड़ पौधों को काट डाला श्याम हर दिन तहखाने में जाकर राजा की ये सारी नादान हरकतें अपने अब्बाजान को सुनाता था एक दिन अब्बाजान श्याम को पास बुलाकर नसीहत देने लगे यारे बैठे राजा की ये नामाकुल और बेतहाशा हरकतों की वजह से हमारा मुल्क में पानी की किल्लत होगी और कहते भी आएगा ये बेहतर होगा कि अगले चार पाँच साल के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जमा करके रखें फितरत को बिगाड़ने की सज़ा ज़रूर मिलने वाली है ये सुनकर श्याम सारी ज़रूरिया की चीज़ें ढूँढ निकाल कर जमा करने लगा और तहा खाने में महफूज रख दिया अच्छा बच्चों आप लोग एक बार फिर यह हिस्सा पढ़े इस मुल्क की फ़ौज में श्याम नामी एक सिपाही था उसका बाप भी बूढ़ा हो गया था राजा की इस कार्रवाई से वो बेहद परेशान था उसने अपने घर के अंदर एक तहखाना बनाकर बनाकर अब्बाजान को वहाँ छुपाया दिन गुज़रते गए एक दिन राजा महल के ऊपर चढ़कर इधर उधर टहल रहा था आसपास के बड़े बड़े पेड़ों की वजह से राजा ठीक तौर पर शहर देख नहीं पा रहा था उसने सोचा कि ये सारे पेड़ पौधे मेरे लिए रुकावट है राजा ने छठ से हुक्म दिया कि मुल्क के सारे बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाए हुक्म मिलते ही सिपाहियों ने देश के सारे पेड़ पौधों को काट डाला श्याम हर दिन तहखाने में जाकर राजा की ये सारी नादान हरकतें अपने अब्बाजान को सुनाता था एक दिन अब्बाजान शाम को पास बुलाकर नसीहत देने लगे यारे बैठे राजा की ये नामाक़ुल और बेतहाशा हरकतों की वजह से हमारा मुल्क में पानी की किल्लत होगी और कहते भी आएगा ये बेहतर होगा कि अगले चार पाँच साल के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जमा करके रखें फितरत को बिगाड़ने की सज़ा ज़रूर मिलने वाली है ये सुनकर श्याम सारी ज़रूरियात की चीज़ें ढूंढ निकाल कर जमा करने लगा और तहखाने में महफूज रख दिया तो श्याम कौन था हाँ श्याम एक सिपाही था श्याम ने अपने जान को कहाँ छुपाई हाँ अपने घर के तहखाने में छुपाई तहखाना नीलावरा धान्यपुरा राजा पेड़ों को क्यों काटने लगे हाँ राजा को महल से शहर ठीक तरह नहीं देख पा रहे थे अच्छा तहखाने से शाम के अब्बा शाम को क्या नसीहत दी नसीहत उपदेश क्या नसीहत थी हाँ राजा के इस नामाक़ूल हरकत की ससा ज़रूर आने वाला है अच्छा ये होगा कि चार पाँच साल के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इंतज़ाम करें अच्छा कहानी की बाकी देखें जल्द ही फ़िज़ा में रतूबत कम होने लगी गर्मी बढ़ने लगी सख्त गर्मी की वजह से इंसान और जानवर मरने लगे बादल बारिश का दूर दूर तक कोई नाम व निशान नहीं था मुल्क भर में सख्त कहत पड़ा और पानी की क़िल्लत भी मौसम ख़राब होने से मुल्क में मुफ़लसी फैल गई और सारे लोग तड़प तड़प कर मर मिटने लगे राजा अपनी नामाकूल हरकत के नतज से बेखबर था मुल्क की मौजूदा हालत देखकर वह वो डर गया उन्होंने अपने दरबार के नौजवान वज़ीरों से मुल्क की पस्त हाली के बारे में चर्चा किया लेकिन क्या करें कोई हल ढूंढ निकाला नहीं जा सका अय भगवान अब मैं क्या करूं मुल्क के बूढ़े अक्लमंदों को मैंने ही बकाया है कैश अगर आज वो सब मेरे साथ होते ये कहकर राजा फूट फूट कर रोने लगा श्याम को जब पता चला के राजा के मिसाज में बदलाव आ गया है तो एक दिन वो राजा से मिलने गया और उससे कहा हुजूर आप गगबराइए मत मेरे जान अब भी इस मुल्क में ज़िंदा है वो मुल्क की इस हालत से निपटने के लिए कोई हल ज़रूर निकाल सकते हैं जल्द ही उस बूढ़े को दरबार में हाजिर किया गया सब दरबारी बूढ़े की बातों पर कान लगा बैठे बूढ़ा कहने लगा जल्द अज जल्द मुल्क भर में पेड़ लगाए पड़ोस के मुल्कों से बीज और पौधे मंगवाए और जगह जगह तालाब और कुएँ खुदवाए बच्चों आप लोग एक बार फिर ये हिस्सा पढ़िए। जल्द ही फिज़ा में रतूबत कम होने लगी गर्मी बढ़ने लगी सख्त गर्मी की वजह से इंसान और जानवर मरने लगे बादल बारिश का दूर दूर तक कोई नाम व निशान नहीं था मुल्क भर में सख्त कहत पड़ा और पानी की क़िल्लत भी मौसम ख़राब होने से मुल्क में मुफ़लसी फैल गई और सारे लोग तड़प तड़प कर मर मिटने लगे राजा अपनी नामाकूल हरकत के नतज से बेखबर था मुल्क की मौजूदा हालत देखकर वो डर गया उन्होंने अपने दरबार के नौजवान वजीरों से मुल्क की पस्त हाली के बारे में चर्चा किया लेकिन क्या करें कोई हल ढूंढ निकाला नहीं जा सका अय भगवान अब मैं क्या करूं? मुल्क के बूढ़े अक्लमंदों को मैंने ही बकाया है कैश अगर आज वो सब मेरे साथ होते ये कह कर राजा फूट फूट कर रोने लगा श्याम को जब पता चला के राजा के मिजाज में बदलाव आ गया है तो एक दिन वो राजा से मिलने गया और उससे कहा हुजूर आप गगबराइए मत मेरे जान अब भी इस मुल्क में जिंदा है वो मुल्क की इस हालत से निपटने के लिए कोई हल ज़रूर निकाल सकते हैं जल्द ही उस बूढ़े को दरबार में हाजिर किया गया सब दरबारी बूढ़े की बातों पर कान लगा बैठे बूढ़ा कहने लगा जल्द अज़ जल्द मुल्क भर में पेड़ लगाएँ पड़ोस के मुल्कों से बीज और पौधे मंगवाए और जगह जगह तालाब और कुएँ खुदवाए राजा के इस नामाकूल हरकत के वजह से देश में क्या क्या मुश्किल आए हाँ गर्मी बढ़ने लगे पानी की किल्लत आ गई लत श्यामा और हाँ लोग पानी के लिए तरसने लगे अच्छा तो राजा ने क्या किया हां राजा अपने वजीरों से इसके लिए हल ढूंढने को कहा तो क्या वजीरों ने हल निकाली जी नहीं तो राजा के मिजाज में मिजाज स्वभाव फिर तो राजा के मिजाज में बदलाव आया तो श्याम क्या किया हाँ श्याम अपने अब्बा को छिपाने के राज राजा को बताया और अपने अब्बा को महल में हाजिर किया अच्छा तो शाम के अब्बा इस हल से निपटने के लिए क्या क्या बोला हाँ देश में सारी जगह पर पेड़ लगाए और जगह जगह कुएं और तालाब खुदवाए अच्छा आप लोगों को कहानी पसंद आई हाँ इस कहानी का किरदार कौन कौन है हाँ बेवकूफ राजा श्याम श्याम के अब्बा अच्छा तो आप लोगों को इस कहानी का कौन सा किरदार ज्यादा पसंद आई हाँ आप लोग एक किसी एक किरदार के बारे में एक नोट लिखकर अपने उस्ताद को या उस्तानी को भेज दिए आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है शुक्रिया खुदा हाफिज